अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पॉल के कत्ल का मरकजी मुलजिम उमर शेख दरअसल एक लंदन पलट जिहादी है जो कि माजी में मौलाना मसूद अजहर की एक पुरानी तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन के साथ मुंसलिक था। ताहम कश्मीरी हुरियत पसंदों की जानिब से दिसंबर सन 1999 में एक भारतीय तैयारे के अगवा के बाद इनके मुतालबे पर श्रीनगर की एक जेल में कैद उमर शेख और मौलाना मसूद अजहर को रिहा करके पाकिस्तान पहुँचा दिया गया, जहाँ मसूद अजहर ने जैश मोहम्मद के नाम से एक नई तंजीम की बुनियाद डाली, जबकि उमर सईद शेख इनसे अलहदा हो गया और बाद अजां इसे डैनियल पल के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1973 में लाहौर में एक मतमवल और मजहबी रुझान रखने वाले ख़ानदान में पैदा होने वाले उमर सईद शेख के बारे में साबिक पाकिस्तानी फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ सन 2006 में शाया होने वाली अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि उमर शेख को लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में दौरान तालीम ही बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे MI6 ने भर्ती कर लिया था। इनके जरिए बोस्निया में सर्ब जारहीत के खिलाफ लंदन में मुजाहरे मुनक़द करवाए गए, हत्ता के बरतानवी इंटेलिजेंस ने इसे कोसोवो में जहाद के लिए भी भेजा। इन मालूमात की कभी बाज़ाब्ता तरदीद नहीं की गई और ख़ुद उमर शेख ने भी एतराफ़ किया था कि वह सन 1992 में ज़बाने तालबे इल्मी में ही बोस्निया गया था और वहाँ मुसलमानों के खिलाफ सरबों के जुल्म और इस पर आलमी ताकतों की बेहिसी ने इसके जहन पर गहरे नकूश छोड़े। बोस्निया से जिहाद में हिस्सा लेने का तसव्वुर लिए उमर शेख अफगानिस्तान पहुंचा, जहां इसने जंगी तरबियत हासिल की, लेकिन मुबसरीन के मुताबिक इस जंगी तरबियत के इस्तेमाल की इसे शायद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसने अपनी मगरबी तालीम और तरबियत को इस्तेमाल करते हुए मगरब से ताल्लुक़ रखने वालों को अगवा करके अपने मकासद पूरा करने का प्रोग्राम बनाया। सन 1994 में हरकतुल मुजाहिदीन से वाबस्तगी के दौरान उमर शेख ने इंडियन दारकूमत नई दिल्ली में 3 बरतानवी और 1 अमरीकी शहरी को अगवा किया और इनकी रिहाई के बदले 10 कश्मीरी रहनुमाओं की जेल से रिहाई का मुतालबा किया। ताहम ये मंसूबा नाकाम हुआ और वो पुलिस मुकाबले में जख्मी हो गया, जिसके बाद इंडियन हुकाम ने इसे कैद कर लिया। उमर शेख को इस कैद से रिहाई दिसंबर सन 1999 में उस वक्त मिली जब एक इंडियन मुसाफिर तैयारा खटमंडू से दिल्ली जाते हुए अगवा होकर अफगानिस्तान के शहर कंधार ले जाया गया। तैयारे के मुसाफिरों के बदले 3 अफराद की रिहाई अमल में आई, जिनमें कश्मीरी जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख शामिल थे। फिर अमरीकी खुफिया इदारे CIA ने दावा किया कि अमरीका पर 9/11 के हमलों में शामिल एक शख्स मोहम्मद अता को पाकिस्तान से एक बड़ी रकम उमर शेख ने अमरीका भिजवाई थी। अभी ये इंकशाफ अखबारात की जीनत नहीं बना था कि पाकिस्तान में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पल को अगवा कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान इस मामले में उमर सईद शेख का नाम सामने आया और फिर कराची पुलिस ने उमर शेख को लाहौर में तलाश कर लिया। एक अफसर की इनसे फ़ोन पर बात भी हुई और इन्हें डैनियल पल को रिहा करने के बदले रियायत देने की पेशकश की गई, लेकिन फिर वह तफ्तीशकारों के रडार से गायब हो गया। 10 रोज तक तलाश जारी रही, जिसके बाद उमर शेख ने खुद गिरफ्तारी दे दी, लेकिन उस वक्त तक डैनियल पल को कत्ल किया जा चुका था। गिरफ्तार होने के बाद उमर शेख ने तफ्तीशकारों को बताया कि डैनियल पल के अगवा के बाद और गिरफ्तारी से पहले के 2 हफ्ते इसने लाहौर में उस वक्त के ISI के एक अहदेदार ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह के पास गुजारे थे। डैनियल पल के अगवा और कत्ल में शामिल अफराद पर मुकदमा अमरीका में चलाए जाने का फैसला हुआ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने उमर शेख को अमरीका के हवाले करने से इनकार कर दिया था। फिर पाकिस्तान में इस मुकदमे में सन 2002 में उमर शेख को हैदराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई, जिस पर अपील का फैसला 18 बरस बाद 2 अप्रैल सन 2020 को हुआ और अदालत ने इसकी सजाए मौत खत्म करते हुए इसे अगवा के जुर्म में 7 बरस कैद की सजा से बदल दिया। ताहम गालिब इमकान यही है कि उमर शेख को रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि वह गुज़िश्ता 18 बरसों से कैद है, जबकि इसको सुनाई जाने वाली सजा महज 7 बरस की है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।